समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में सपा मुख्यालय में मीडिया से इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि सपा सीट मांग नहीं रही है, सपा सीटें दे रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर अपने तेवर दिखाए हैं। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेताजी के रास्ते पर चलकर संविधान को बचाना चाहती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट मांग नहीं रही है बल्कि सीटें दे रही है। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से मिलकर सीटों पर बात हो जाएगी। हमने पहले भी गठबंधन किए थे और समाजवादी पार्टी ने त्याग किया था, इस बार लड़ाई बड़ी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी। हालांकि सीट बंटवारे पर भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान पहले आ चुका है। सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि मुंबई की बैठक में तय हुआ है कि जिस राज्य में जो प्रमुख दल होगा प्रस्ताव उसी को दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी कई सीटों पर मजबूत है, पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब गठबंधन बन गया है तो गठबंधन के साथ बातचीत करके मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए फैसला करेंगे। अखिलेश ने कहा कि घोसी विधानसभा उपचुनाव की जीत की घोषणा का संदेश बहुत बड़ा है। घोसी की जनता ने नया रास्ता दिखाया है। कार्यकर्ता और नेता अपना चुनाव समझकर आंदोलनकारी बनकर सरकार के खिलाफ एक हो जाएं तभी जीत मिलेगी और संदेश भी बड़ा जाएगा। घोसी की जीत से आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ा रास्ता मिल गया है। आने वाले समय में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और बुनकर भाई मिलकर जीत सुनिश्चित करेंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने घोसी में बहुत दबाव बनाया, नेताओं को रेड कार्ड दिए, मुस्लिम भाइयों पर तमाम तरह से दबाव बनाया, उसके बाद भी घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिताया। घोसी विधानसभा की जीत के घोषणा ने नया रास्ता राजनीति में दिखाया है और सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर कार्यकर्ता नेता अपना चुनाव समझ करके और इसी तरीके से आंदोलनकारी बन करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से घोसी विधानसभा की जनता ने मतदान किया है और देश को संदेश दिया है, आने वाले समय में ऐसे ही परिणाम होंगे जब किसान, बुनकर भाई और पीडीए मिलकर के सहयोग करेगा, मदद करेगा तो परिणाम लोकसभा के 2024 के भी नए होंगे। ये हार हुई है मुख्यमंत्री और सरकार की, इसलिए उनको सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि हार उनकी हुई है। सरकार जितना दबाव बनाना चाहती थी रेड कार्ड देकर या खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई मतदाता जा रहते हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया, अधिकारियों के माध्यम से जो कुछ कर सकते थे वो किया, लेकिन उसके बावजूद भी घोसी की जनता सुधाकर सिंह जी के साथ खड़ी दिखाई दी। साइकिल चुनाव चिन्ह पे एक एक वोट डाल करके उन्होंने ऐतिहासिक परिणाम दिया। आज जो अस्पताल चल भी रहे वहां इलाज मिल रहा है क्या? आप लोहिया में चले जाइए, क्या इलाज मिल रहा है? पीजीआई में कल मैं होकर के आया हूं, क्या दुर्दशा है सोचिए आप। आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है और ये सरकार बताए कि 10 साल में गरीब के लिए अगर कोई जिला अस्पताल बनाया हो तो बता दो। जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस भी चलाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया उन्होंने। अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो तो हमें सरकार बताए कि इस जिले में उन्होंने एक जिला अस्पताल बनाया है जहां पर गरीब को इलाज हो रहा। और दुर्भाग्य तो ऐसा है कि बताइए डेंगू के मरीज नहीं बचा पा रहे। ये सरकार मामूली बुखार से जो पीड़ित गरीब है उसको इलाज नहीं दिला पा रहे। कासगंज एटा की खबर मैंने पढ़ी और सुनने में आया है 30 से ज्यादा लोग केवल डेंगू से जान चली गई। ये जो लोग $1 trillion 5 trillion इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, G20 के लोगों को बुला रहे हैं, तो वो क्या ये कि हम बुखार से लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं? और G20 वाले भी जान गए हैं कि घोसी उत्तर प्रदेश में मऊ में है। जब मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के और समाजवादी लोगों का इतिहास उठा लीजिए, समाजवादियों ने लोगों को जोड़ने का काम किया और बढ़ चढ़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा होगा तो त्याग भी किया है, लेकिन
इस बार लड़ाई बड़ी है, 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।